हेलो दोस्तों, मनोज वाजपेयी की साइलेंस 2 मूवी आ चुकी है। आपने पहली मूवी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर रिव्यू पड़ा है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो आज जानेंगे साइलेंस 2 मूवी का, जो कि क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर मूवी लवर्स, आपकी बहुत ही मस्त आपकी ये मूवी होने वाली दूसरी, जो कि क्राइम स्टोरी से आपकी स्टार्ट होती है। तो जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो शुरुआती में दोस्तों क्राइम सीन हम लोग को देखने को पता चलता है, जहां पर एक किलर लड़की को एक गर्ल्स आज माफ उसके फेस टू फेस आकर के किल कर देता है, जबकि दूसरे 5-6 लोगों को दोस्तों दूर तक समझ तक नहीं आता कि शूट आउट उस गर्ल्स के लिए क्या किया गया। किलर अकेला था और एक ही स्पेशल गन से शूट किया है, उसने कोई लोकल अटैक नहीं था। आजमा का मोबाइल गायब है, उसके घर पर महंगे कपड़े और एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला है। डॉक्टर के पास जाकर पता चलता है कि आजमा का फ्रेंड रिजवान उसे डॉक्टर के पास लाया था, क्योंकि आजमा को उससे लास्ट क्लाइंट ने फेस टू फेस यहाँ पे किया था। आजमा एक प्रोस्टिटर गर्ल्स होती है, रिजवान अपने गाँव गया हुआ है। इसके कॉल्स रिकॉर्ड से पता चलता है वो अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़कर गया है। रिजवान दोस्तों 2 दिन के बाद गांव से वापस आया, जिसको कुछ भी नहीं पता। अब साइको एक्टर अर्जुन को दिखाया जाता है, यह हमेशा अकेले रहता है। इसके फादर साइकिस्ट के पास भी सस्पेंशन लेने के लिए भेजते हैं। अब गौरव को दिखाया जाता है, अर्जुन डायरेक्ट लिंक होता है दोस्तों उस आउट से। फिर पुलिस आजमा के गांव वाले घर गई तो वहां आजमा के एक पेन ड्राइव कुरियर की हुई थी। पेन ड्राइव के अंदर एक दोस्तों मरी हुई लड़की की फोटो होती, मतलब आजमा ने अपने क्लाइंट के लैपटॉप से वो फोटो ली थी, फिर उसके बाद कुरियर कर दी थी। इसी फोटो की वजह से आजमा का मर्डर हुआ है। सेम फोटो अविनाश को उसके पुराने केस की क्लेम यहाँ पे जयाने इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेल्प करने के लिए जयपुर से सेंड की थी। अभी दोनों यहाँ पे दोस्तों लिंक होते हैं, दोनों की पोस्टमार्टम गर्ल्स थी और सेम गैंग के लिए वर्क करती थी। अब आजमा के कॉल्स रिकॉर्ड और मैसेंजर से मर्डर के बारे में 1-2 दिन पहले आजमा को लोकेशन का पता चलता है। वो बिल्डिंग जहां आजमा ने अपने क्लाइंट के लैपटॉप से सारा यहाँ पे जो डेड फोटो थी वो इस फ्लैट के ओनर को पता लगाया गया। आजमा रिजवान से अलग अमीषा और राजीव के कॉन्टेक्ट में थी। राजीव उसका क्लाइंट हो सकता था, क्योंकि होटल्स में मिलने जैसी बातें मैसेजेस होती थी। आजमा ने दोस्तों पिस्टुएट है तो अविनाश अब दोनों से मिलने के लिए गया। राजीव काफी रिच है, इसको आजमा क्यूट लग रही थी और ये दोनों कभी कभी मिलते थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता चला। अमीषा से मिलने गया आजमा को इस दलदल की उसकी माँ ने भेजा। आजमा ने मर्डर वाले दिन दोस्तों मैसेज करके अमीषा को कोई सीक्रेट बात बताने को बुलाया था। तो अविनाश वही पूछता है कि अमीषा यहाँ से डर कर भाग गई और कुछ नहीं बताई। अविनाश के घर के बाहर एक गार्ड को खड़ा कर देता है। फिर आजमा को जो मैसेज अलग अलग नंबर से आते हैं उसके ओनर का कस्टमर सर्विस पता लगाया जाता है। तो एक बूढ़ी औरत का होता है जो किसी के बोलने पर पैसे के लालच पर अपने आधार कार्ड पर सिम खरीद कर दे रही थी। फिर उसी रात दोस्तों अमीषा के घर बाहर कुछ अनन्य लोग देखे गए, जहाँ पता चलता है कि अमीषा का मर्डर हो चुका है और उसका सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। सुसाइड नोट लिखकर जबकि हाथ को कट के अवसर पर चोट के निशान साफ पता चले थे। मर्डर है, पुलिस लापरवाही से अमीषा का मर्डर हो गया। यहाँ अमीषा की डेड बॉडी जो कि पता चलती कल जयपुर जाने वाली थी, इसी चार्ट पर लिखा था और भी लाशें बिखर कर, मतलब गर्ल्स मारी जा चुकी है। और जयपुर अमीषा वाली फ्लाइट से और सिंगल यहाँ पे 15 से 22 साल की लड़कियां जो की डिटेल निकाली गई। इन डेट में दोस्तों आपको बता दे तो अर्जुन का भी नाम आता है, वो भी यहाँ पे क्लाइंट का। अविनाश अपने सीनियर से जयपुर जाने की परमिशन मांगता है बट उसको परमिशन नहीं मिलती है, उसको मुंबई की यहाँ पे टीम में ही रह करके वर्क करना पड़ता है। जयपुर फ्लाइट में जितनी भी सस्पेंड यहाँ पे गर्ल्स मिली उनके मोबाइल ऑफ यहाँ पे थे, किसी भी लोकेशन का पता नहीं चलता है। 6 गर्ल्स अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती थी, उनको जयपुर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उनको एक्टर बनने के बहाने यहाँ पे लाया गया था। इनके फोन भी ले लिए गए थे बट इनमें से एक लड़की ने अपना फोन छिपाया और बाथरूम जाकर के अपने पेरेंट्स को कॉल करके फोन ऑन किया। तब अविनाश की टीम ने इनकी सारी लोकेशन पता की। इन गर्ल्स को एमएलएम के बेटे सनी के बैचलर पार्टी के एक कोठी पर ले जाया गया। बॉय जहाँ पे 14 इयर्स की यहाँ पे बच्चियों का रेप करते थे। अमीशान तथा जयपुर जा चुका था, पुलिस के साथ उस लोकेशन पर गया। ढाबे से पता चला इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई होटल नहीं, बस यहाँ पर दोस्तों थोड़ी दूर के बाद एक कोठी है। तो अविनाश अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर गया, राइट टाइम पर के जा करके उन बच्चियों को बचा लेता। पुलिस के आते ही गौरव अलर्ट कर देता है और गौरव ने अर्जुन को अलर्ट कर दिया। अर्जुन तो जयपुर से बस लेकर के निकल गया पर गौरव को पुलिस ने पकड़ लिया और गौरव बाकी लोगों से लोकेशन करने पर पता चलता है आज तक किसी ने अर्जुन को
देखा ही नहीं, बस वो काल पर ऑर्डर देता है। गौरव एक दोस्त यहाँ पे गंदी वेबसाइट चलाता है, इस पर एक क्लब भी है जहाँ पर वर्जिश लगाई गई है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 दिन पहले अर्जुन ने गौरव को कॉन्टेक्ट किया, तब अर्जुन ने दोस्तों गर्ल्स सप्लाई करना था, तो गौरव और अर्जुन से प्रोड्यूसर गर्ल्स के साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ और वो बहुत यहाँ पे सस्पेंस था और सस्पेक्शन नहीं मिला। गर्ल्स को सफर कराने के लिए मिलता था, उसने तारा को मार दिया। अब यह मुंबई आ गया और अर्जुन तक पहुंचने के लिए दोस्तों ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तब तक मुंबई में अविनाश की टीम आजमा वाले लास्ट क्लाइंट के होटल के ओनर तक पहुंच चुकी थी। पिया ने वहां पे प्लेट रेंट लिया हुआ था और बच्चियों ने भी पिया का स्केच बनवाया और इसमें से लड़की ट्रेन जो करती थी उसके बारे में यहाँ पे डोर में आपस सीसीटीवी कैमरे में से एक गाड़ी पर अविनाश का शक हुआ क्योंकि उसमें डीपर जो था खराब था। आजमा का फ्रेंड रिजवान गांव जाने के पहले ही अपनी गाड़ी ठीक कराने को मैकेनिक के पास छोड़कर गया था। उसे मैकेनिक से पता चलता है कि रिजवान गाड़ी उस शॉर्ट आउट के वाली नाइट के भी बाद छोड़कर गया था। पहले तब वो गांव में नहीं था मुंबई। रिजवान इंडिकेटर में दोस्तों अर्जुन के लिए काम करता था। उस नाइट अर्जुन ने कॉल करके क्लब में एक लड़की को धमकी देने भेजा था, अर्जुन को ब्लैकमेल कर रही थी। यह क्लब में गया, अर्जुन ने आकर के सभी को मार दिया, बट आजमा को मारने को गन रिजवान के हाथ में दिया था। रिजवान अपने फ्रेंड को नहीं मार पाया, तब अर्जुन ने आजमा को मारा। अब क्वेश्चन है कि अगर अर्जुन को आजमा को मारना था तो उसी नाइट मार देता, उसने आजमा को बस पंच करके जाने दिया। अब अर्जुन भी उससे लव करने लगा था आजमा को, इसीलिए क्लब में आजमा को मारने से उसका फ्रेंड रिजवान के हाथ में गन दी थी। लेकिन गर्ल्स को पता चला कि उनकी इनकम जो कि रिजवान अर्जुन तक पहुंचाता है। पिया जैसी लड़कियों को खर्च देकर के बाकी पैसे उस कंपनी को कुरियर करता था जहां राजीव काम करता था, तो पुलिस उस कंपनी में गर्ल्स की राजीव की नहीं बल्कि उसके साले अर्जुन को अरेस्ट किया। फाइनली वो दोस्तों साइको पकड़ा गया। इसके रूप में बहुत सारे सिम कार्ड थे, इसकी गैंग मेंबर्स में अविनाश को यह कुछ अजीब लगा। अर्जुन ने सिम कार्ड कैसे नहीं छिपा पाए, अब इतना तक तो अच्छा प्लान था, बट फिलहाल में एक मीडिया का मुंह बंद करने के लिए अर्जुन को एम्प्राइम रेस्टोरेंट अरेस्ट कर लिया गया। इसी कंपनी में अर्जुन की बहन आरती और उसका हस्बैंड राजीव भी थे, जो कि नेक्स्ट अविनाश अगेन ये पूछता है कि इस बार अर्जुन की सिस्टर आरती से अविनाश के पास आरती की एग्रेस रिपोर्ट लेकर आती है कि जयपुर गई थी, आरती का हेयर सैंपल अमीषा के नेल से मिला है। अमीषा का मर्डर दोस्तों आरती ने ही किया था और क्लब शॉट आउट के आरती के फादर की गन से हुआ था। अब आरती यहाँ पे दोस्तों सस्पेंस में होती है, जब 8 साल की होती है तो फादर इन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। वहां पर इन्वॉल्वमेंट डिस्टिंक का दोस्तों कई टीचर्स के साथ क्लेमेक्स के साथ आरती नॉर्मल बच्चों से अलग यहाँ पे बड़ी पली हुई थी। कभी किसी को कंप्लेन नहीं थी क्योंकि कोई कुछ गलत नहीं कर रहा था। जब वापस इंडिया आई तो फादर को पता चलता है कि आरती लेविस्टियन है। सेम फ्री होकर के उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने वन टाइम मिस्टेक के बेटे के अर्जुन के नाम आरती बस एम्प्लॉय बनकर रह गई। इसके अकॉर्डिंग उन बच्चों का यह आज सोसाइटी में फ्री नहीं करते। बड़े होकर के शादी होने के बाद भी रेप होता रहा था, मेटेरियल रेप, तो उन बच्चों को फ्री लाइफ दे रही थी। आरती ने सबके कॉन्फ्रेंस कर लिए और फिर अपनी कंपनी की बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया और सोल वाली मूवी का दोस्तों द एंड यहीं पर हो जाता है। ये क्राइम मूवी होती है दोस्तों जहां पर एक लड़कियों का जो रेप होता उसके रिकॉर्डिंग था। तो उम्मीद है पार्ट 2 देखने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया, तो पार्ट 1 आप जाकर के देखिए, चैनल पर अपलोड है।